जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूनुस खान। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेस सरप्राइज और जैसे चाइनीज पर। तो ये मौजूद है सलीम सेंटर के बिल्कुल अपोजिट, और यहाँ पे मौजूद है नूर जहाँ ब्यूटी सलून। इसके नीचे ये मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत छोटा सा कार्ड है, ये ऑटो रिक्शा में बनाया है इन्होंने। तो हम इसका सारा आपको ऑर्डर दे के, खाना बनवा के आपको इसका सब रिव्यू देते हैं और आपको इसके ऑनर से भी मिलवाते हैं। तो भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पैसे प्राइज और चेसे चाइनीज के ओनर। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। दहीम अली इनका नाम है। अच्छा दहीम भाई, क्या कॉन्सेप्ट लेके आपने ये स्टार्ट किया है? असल में कॉन्सेप्ट तो हमारा बहुत पुराना था, हमारे पास मेरी बेटी है, उनका एक आइडिया था कि इस तरह की कोई कार्ड बनना चाहिए, ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि क्या चेंजेस लाने चाहिए, तो उसमें हमने फिर ड्रा कार्ड लेकर आ गए, कलर उसका इस तरह रखा। अच्छा, कि वो एक विजिबल सा हो। अच्छा, ये जो आइडिया, जो ऑटो रिक्शा का आइडिया, ये बेटी का आइडिया था कि अट्रैक्ट करती थी इस तरह की चीज़ें। हाँ। तो कहती थी अब्बा इसके अंदर कुछ नई चीज़ होनी चाहिए, बेटी ने आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है कि एक यूनिक किस्म का फूड कार्ड बनाया आपने। अच्छा, प्रीवियसली आपका यही काम है आपका? प्रीवियस मैं तो बेसिकली फैशन फोटोग्राफर हूँ। अच्छा, आप फोटोग्राफर हैं और आपने ये काम स्टार्ट किया, तो फोटोग्राफी ख़त्म नहीं हुई वो तो मेरा चल ही रहा है। अच्छा, चल ही रहा है। तो आइंदा अभी क्या लाए हमारे, इसको बढ़ाएंगे? हम इसको बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। हमारा इरादा ये हो रहा है कि हमारे लिए छोटा पड़ा है, तो हमारे पास काम का लोड माशाल्लाह ज़्यादा है, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि कंटेनर लेकर आए। अच्छा, कंटेनर लेके आए, वो इसी जगह पर। अच्छा, ये फूड कार्ट में जो कैसे मैनेज करते होंगे, बर्तन भी धोने होते हैं, हर चीज़ मैनेज? असल में इसीलिए हमने फूड के मसला ये हुआ है कि वो चीज़ रखी नहीं है। हाँ, सारे डिस्पैच वाला रखा है, सारे डिस्पोजेबल आइटम। अच्छा, जितने भी आइटम्स हैं सारे डिस्पोजेबल, सब उसके लिए मसला ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, प्रॉब्लम ही नहीं पानी की है किसी और चीज़। अब मुझे ये भी बता दें कि इसकी लोकेशन बता दें, हमारा प्रॉपर एक एड्रेस भी बता दें। ठीक है। अच्छा, लोकेशन इसकी इस तरह है कि नॉर्थ कराची में नागे चढ़ेंगी, तो ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान जानता है इस नाम को। नागे चौरंगी से आगे आएंगे ऑनवर्ड्स टू पावर हाउस, तो ये सलीम सेंटर का स्टॉप कहलाता है। सलीम सेंटर का एक ग्रीन लाइन बस है, बस स्टॉप के बिल्कुल जस्ट अपोजिट ये नज़र आ जाएगी। ये भी कह सकते हैं अपोजिट सलीम, बिल्कुल अपोजिट सलीम सेंटर के अपोजिट है ये। और टाइमिंग क्या है आपकी? टाइमिंग हमारे शाम चार बजे से रात एक बजे तक। ठीक हो गया दहीम भाई, इंशाल्लाह हम खा के इसका रिव्यू भी देंगे। थैंक यू। तो मैंने अपना ऑर्डर दिया है और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, चाइनीज़ के एक्सपर्ट लग रहे हैं भाई मुझे। तो भाई मैं भाई से पूछता हूँ क्या बना रहे हैं हमारे ऑर्डर में। जी भाई, क्या बना रहे हो आप? आपके लिए मंचूरियन बना रहे हैं। ठीक है भाई, और इसके अलावा चिली ग्रेवी बन रही है। चिली ग्रेवी और मंचूरियन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखें अंदर छोटा सा कार्ड है और कार्ड में सब कुछ मौजूद है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये हमारा ऑर्डर तैयार हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे सारा निज़ाम इनका, प्राइस वगैरह हर चीज़ मौजूद है। तो बड़ा अच्छा चाइनीज़ है, यहाँ पे आए जरूर ट्राई करें। तो भाई ये आप दिखाएं ज़रा भाई को हमारे, कितना टाइम हुआ ये खुले हुए? तकरीबन 4 माह हो गए। 4 महीने से आप यहाँ ये चल रहा है, तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? माशाल्लाह का शुक्र है, बढ़ता ही जा रहा है, काम बढ़ता ही जा रहा है माशाल्लाह। और हमारे यूट्यूबर भाइयों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह सब आके सपोर्ट किया है। बाबर भाई आए थे तुम्हारे पास? हाँ, बाबर भाई आए, बहुत आए। चलिए, अल्लाह का तो सब आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करे। तो हमारा ऑर्डर जैसे ही तैयार होता है आपको खा के उसका रिव्यू भी देते हैं। ये भाई हमारे क्या चीज है ये भाई फ्राइज आ गए हमारे, पैसे फ्राइज आ गए, चेसे चाइनीज अभी बाकी है। वाह वाह वाह, देखने में तो बड़े लाजवाब लग रहे हैं भाई, खा के अभी तो बताते हैं कैसे हैं ये। भाई सीन ऐसा है, ये सारे तो मैं नहीं खा सकता भाई,
एक मैं चख लेता हूँ। ये बाकी सब ये खाएंगे, मैं एक चख के बता रहा हूँ, बाकी सारा खाएंगे। फ्राइज तो चेक करो, डायनामाइट क्या बम बम डालते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, ये कौन सा चिकन है? ये अच्छा, ये है ना चिकन ग्रेवी, चिकन चिली विद ग्रेवी। मैं थोड़ा सा ऐसे करके आपको टेस्ट करता हूँ, बिल्कुल गर्म और मजे का। ये है सिंगापुरियन, ये है चिकन मंचूरियन और चिकन ग्रेवी विद चिली ग्रेवी है। ये हमारा लगानिया है। टेस्ट तो नो डाउट बुरा नहीं है और वैरायटी भी बहुत अच्छी वैरायटी है, टेस्ट कोई बुरा नहीं है और प्राइस भी नॉर्मल ही है। होटलों में तो प्राइस ज़्यादा ही होते हैं, यहाँ नॉर्मल प्राइस है, तो अच्छा है, ज़रूर आके ट्राई करें। अब हम खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये देखें भाई, एक मैडम यहाँ खाने में मसरूफ़ हैं, किसी को लिफ्ट नहीं करा रही हैं ये। हाँ भाई, कैसा लगा आपको खाना? इतना मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा है, इससे अच्छा चाइनीज के नहीं मिलता। इनका सही है, बुरा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती ना कि इससे अच्छा चाइनीज नहीं मिल सकता हमें। हाँ तो ये अभी मैं जो ना इस वक्त मैं खा रही हूँ, नहीं ना कहाँ खाया इसमें कौन, इसकी और बस इतनी थी और इससे थोड़ी सी और क्वांटिटी थी, दिखाई थी हमने फुल भरी हुई थी तुम्हारी, फुल भरी हुई थी, मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया है, देख लीजिएगा। इसकी आधी प्लेट में ये रखा हुआ था और आधी में चावल थे। ये भाई अपनी पसंद है, आपको क्या अच्छा है? परवा परीरा बच्चों ने मंचूरियन किसी को अच्छा लगा? सर आप खाने दें, आप ऐसे ही बता दें। अच्छा ये और प्राइस पसंद है बच्चों को ज्यादा, जी तो हाँ सब अच्छा है। तो भाई सारा रिव्यू तो सारा ने आपको दे ही चुकी है, कैसा खाना था, क्या होना चाहिए था, सब कुछ बता दिया है। तो अपनी वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं, ट्राई आप ज़रूर करें आगे, तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।